Hello friends, let's start with the question number 13. Till now we have completed 12 questions in our last video. So start with 13 number questions. Locus of image of point 2, 3 in the line 2x minus 3y plus 4 plus k times x minus 2y plus 3 equal to 0. So as you can see, 2x minus 3y plus 4, which is line 1 plus k times line 2 equal to 0. Actual mein ye line 1 plus k times line 2, ye to equation ho gaya family of line ka. मतलब फैमिली ऑफ लाइन मतलब क्या होता है कि के की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग के की वैल्यू रखेंगे तो ये अलग अलग लाइन बन सकती है. और सभी लाइन कौन सी होगी, तो समझ लो इसको मैंने एल वन लिख लिया, इसको एल टू लिख लिया, ये दोनों लाइन एल वन एल टू है. तो जो अगर एल वन है, ये एल टू है, ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली सभी लाइन, जितनी भी लाइन है, वो सभी के की अलग अलग वैल्यू के लिए डिफाइन हो सकती है. तो ये के की अलग अलग वैल्यू के लिए जितनी भी लाइन पॉसिबल होती है, वो सभी लाइन का इक्वेशन इससे डिफाइन होगा. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लोकस ऑफ इमेज ऑफ दिस पॉइंट 2, 3, समझ लो मैंने कोई भी पॉइंट 2, 3 एज्यूम कर लिया, जैसे यहाँ पे 2, 3 है, चलो ये समझ लो 2, 3 पॉइंट है. तो ये 2, 3 पॉइंट के लोकस, जो ये 2, 3 पॉइंट है उसका इमेज, लोकस ऑफ इमेज ऑफ दिस 2, 3, मतलब 2, 3 की इमेज ये लाइन की रिस्पेक्ट में, इन द लाइन ऑफ दिस वन, मतलब ये लाइन की रिस्पेक्ट में, ये 2, 3 की इमेज जो है उसका लोकस फाइंड करना है. मतलब ये सभी लाइन की रिस्पेक्ट में 2, 3 पॉइंट का लोकस हमको फाइंड करना है. और वो लोकस बहुत सारे पॉइंट डिफाइन करेगा, और वो जो पॉइंट होगा वो कोई भी सर्कल या फिर ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. तो यहाँ पर अगर नॉट करने जाए, समझ लो मैंने अगर ये लाइन सोची, ये लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा. समझ लो यहाँ पर अगर ड्रॉ कर लो तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा. ओके, समझ लो मैं ये लाइन के रिस्पेक्ट में अगर पॉइंट सोचूँ तो कहीं पे यहाँ पे आएगा. तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक पॉइंट, फिर ये लाइन के रिस्पेक्ट में देखने जाए तो कहीं पे यहाँ पे आएगा एक पॉइंट. समझ लो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है. वैसे अलग अलग सभी जगह पे पॉइंट, अलग अलग जो पॉइंट है, अलग अलग लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट बनेंगे, ये सभी पॉइंट अलग अलग बन सकते हैं. और ये सभी पॉइंट कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या है ये, फिर एक सर्कल ही है. ओके, और ये जो सर्कल है वो तो पता चल गया प्रैक्टिकली कि ये सर्कल है. अब ऑप्शन के हिसाब से सर्कल कौन सा होगा, रूट टू रेडियस वाला होगा या फिर रूट थ्री रेडियस वाला होगा, मतलब उसका रेडियस फाइंड करना है. तो हमको सर्कल जो यहाँ पे मिल रहा है वो सर्कल, ये सेंटर, ये जो है वो सेंटर, वो ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल का रेडियस होगा. तो बस रेडियस फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ये पॉइंट चाहिए पहले. तो L1 एंड L2 को सॉल्व कर लो. तो जो ये L1 है इसको हमने L1 बोल दिया, और ये जो L2 है इसको सॉल्व करने से हमको ये पॉइंट मिल गया, उसको हम बोलेंगे C. और ये समझ लो P है, तो PC के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो R, वो आंसर होगा. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर गोइंग विथ सम बीट स्पीड, विथ सम स्पीड, बिकॉज यू नो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड वी हैव वेरी लेस टाइम्स टू कम्प्लीट दिस सेशन. लेट द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ जीरो एच मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी. ये जो इक्वेशन है वो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब ओरिजिन सेंटर वाला एंड फोर रेडियस वाला इक्वेशन है, उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए. लेट द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ जीरो एच, मतलब समझ लो मैंने ये पी ऑफ जीरो एच एज्यूम कर लिया, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट एच है, मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों में से कहीं भी एक जगह से हम ऐसे टेंजेंट बना सकते हैं. तो ये पी ऑफ जीरो एच से अगर टेंजेंट बनाया जाए, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाया जाए, तो वो टेंजेंट एक्सिस को ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये ए है तो ये बी है. इफ़ द एरिया ऑफ ए पी बी, मतलब ये समझ लो ए है, ये ए पी बी के पॉइंट को ज्वाइन करके जो हमको ट्राइंगल मिलेगा उसका एरिया अगर मिनिमम है तो हमको एच फाइंड करना है. लेट्स फाइंड एच. तो सबसे पहले मुझे ये ए पी बी का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे ये समझ लो ओ पी डिस्टेंस चाहिए, इसको अगर ओरिजिन बोले तो ओ पी डिस्टेंस एंड ए पी डिस्टेंस चाहिए, तभी मुझे एरिया का फॉर्मूला मिलेगा. फिर उसको मिनिमम वैल्यू बन, उसके मिनिमम वैल्यू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सोच सकते हैं. तो चलो सोचते हैं क्या करें.
सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट, ये जो है सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जो होगा वो रेडियस आर होगा, और रेडियस आर की वैल्यू क्या है, तो अगर सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो रेडियस आर हो जाएगा 4। ठीक है, लेट अस एज्यूम इट इज़ थीटा, इसको थीटा एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे मैंने एम रख दिया, तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ एम बी, अगर ट्राइंगल ओ एम ई एम बी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो ओ बी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर सेक थीटा। मे बी विल फाइंड यूजिंग कॉस थीटा फार्मूला, यहाँ पे कॉस थीटा का रख दो, एडजेसेंट साइड आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस करोगे तो विल गेट दिस डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट, एंड ओ बी का आंसर आपको ऑटोमेटिकली आर सेक थीटा मिल जाएगा, तो ओ बी बन गया आर मतलब 4 सेक थीटा। ठीक है, उसके हिसाब से अगेन समझ लो मुझे यहाँ पे अगेन ओ पी चाहिए और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो ये समझ लो कॉस थीटा नहीं साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं, और साइन थीटा की ऑपोजिट साइड है हमारे पास हाइपोटेनस, मुझे फाइंड करना है, तो मैं अगर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ऊपर का ये ट्राइंगल ओ पी एम के हिसाब से, बराबर ट्राइंगल ओ पी एम के हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज़ आर विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ओ पी। सो अगेन वहाँ पे ओ पी की वैल्यू क्या आ गई, ओ पी इज इक्वल टू 4 बाई साइन थीटा। तो फाइनली एरिया क्या बन सकता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ओ पी इंटू ए बी, अगर यहाँ पे ए बी फाइंड करना है तो ए बी क्या होगा, ओ बी का डबल है ना, तो मैं अब जहाँ पे जस्ट 2 times ओ बी लिख देता हूँ, 2 times ओ बी। ठीक है, ये 2 कैंसिल, सो व्हाट वी गेट हियर, ओ पी, ओ पी क्या होता है, ओ पी की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 4 by sin theta इंटू ओ बी की वैल्यू क्या है, 4 sec theta मतलब 4 by cos theta, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 sec theta को। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, दैट इज 16 by sin theta cos theta, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 32 by 2 sin theta cos theta विच इज sin 2 theta। ओके, ये एरिया हो गया, इसको मिनिमम करना है, तो इसकी वैल्यू कम से कम कब आएगी, जब डिनोमीटर सबसे बड़ा होगा, और डिनोमीटर सबसे बड़ा कब होगा, जब डिनोमीटर की वैल्यू मैक्सिमम विच इज़ 1, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही 2 theta, साइन 2 theta की वैल्यू हमेशा ही 1 होनी चाहिए, तब साइन 2 theta क्या होगा, π/2, ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता चल जाएगा थीटा इक्वल टू π/4। ओके, तो ये थीटा अगर होगा तो एरिया मिनिमम है, और आपको फाइंड क्या करना है, एच, तो एच यहाँ पे कहीं पे है, तो एच जो है वो क्या है, ओ पी डिस्टेंस, तो ओ पी का फॉर्मूला क्या है, 4 by sin theta, तो एच इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 4 by sin theta, और थीटा की वैल्यू π/4 है, तो 4 by sin π/4 दिस इज 1/√2, तो फाइनल आंसर इज 4√2। ओके, अब चेक कर सकते हो आंसर 4√2, ऑप्शन ए। इफ द लाइन वाई इक्वल टू mx+1 मीट द सर्कल इन 2 points इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ एक्सिस, वैसे ये क्वेश्चंस में फ्रॉम एंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ एक्सिस थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी फिगर को ज्योमेट्री के हिसाब से ड्रॉ करें, x+y²+3x=0, ये देख के हमको सेंटर क्या पता चलेगा, सेंटर बन जाएगा -3/2, 0, एंड ये जो लाइन है y=mx+1, यहाँ पे x अगर 0 कर दे तो y क्या बन जाएगा, 1, मतलब ये लाइन है 0, 1 से पास होगी। ठीक है, और ये जो है वो लाइन ये सर्कल को 2 points पे इंटरसेक्ट करती है, अब वो जो 2 points है वो इक्विडिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम एंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ x एक्सिस, मतलब फ्रॉम द x एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर नीचे इक्विडिस्टेंस पे है, एंड एक्सिस के ऑपोजिट साइड पे है, अगर समझ लो मैंने यहाँ से कोई ऐसी लाइन बना दी, बराबर, तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों, ये जो लाइन है ये 2 points पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को, ऊपर एंड नीचे, अब ये जो 2 points है ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड तो है, एक्सिस के ऑपोजिट साइड तो है, बट वो दोनों इक्विडिस्टेंस पे नहीं है, एक्सिस के ये जो यहाँ पे डिस्टेंस इतना बन रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम बन रहा है, समझ लो मैंने कोई लाइन ऐसी कोई भी बना के देख ली, समझ लो ऐसी कोई लाइन बना के देख लो मैं, ये 0 points से पास होने वाली लाइन, तो ये लाइन भी आप देख सकते हो 2 points पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों पॉइंट अगेन एक्स एक्सिस से, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे, ये थोड़ा कम डिस्टेंस है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है,
सो वॉट वी कैन डिसाइड हियर कि ये जो लाइन होगी वो कम्प्लीटली पता ही है कि ये लाइन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो सिमेट्रिकली कब डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होगी तो यहाँ पे जो इतना डिस्टेंस बनेगा वही डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पे है और दोनों जो पॉइंट है वो एक्सिस के अपोजिट साइड है, एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड पे है, तो वही कंडीशन है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, बस तो वो कंडीशन है। तो अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर क्या है, सी ऑफ माइनस 320, तो ये जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, तो ये जो लाइन का फॉर्मूला है वो सेंटर को सेटिस्फाई करेगा, तो सेंटर को रख देते हैं यहाँ पे, मैं जीरो इक्वल टू एम इन टू माइनस 3/2 प्लस वन, तो ये बन जाएगा 3m इक्वल टू 2, सो 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन बी। ओके लेट अस कंटिन्यू 16 नंबर, लेट ए एंड बी एनी टू नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। वैसे ये इक्वेशन देख के तुरंत माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि हाँ कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगता है, ये लाइन है और ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया है। देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द वेरिएबल लाइन, यस है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, तो समझ लो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, वैसे ये लाइन हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट डी है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो हम यही इक्वेशन लिखते हैं लाइन में और जो कि ए एंड बी को ए ज़ीरो एंड ज़ीरो बी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ओरिजिन से ये लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा, मतलब ये है एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये एम, उसका इक्वेशन फाइंड करना है, वो कहाँ पे लाई करेगा, मतलब उसका ये जो है एम वो अलग अलग कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे हाइपरबोला है और सर्कल है, तो लेट अस सी, हम इसका लोकस फाइंड कर लेते हैं। लोकस फाइंड करने के लिए हम एच के एज्यूम करेंगे, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस पी है ओरिजिन से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस जो पी है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो पी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है ओरिजिन से किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस तो सी डिवाइडेड बाय, है ना, क्योंकि ये एक्स जीरो और वाई जीरो रखने पे बन जाएगा वन, तो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन अपन बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये पी डिस्टेंस क्या बन सकता है यहाँ पे, पी डिस्टेंस मतलब ओ एम, है ना, ओ एम, और ओ एम डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर फाइंड करें तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके अब वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन अपन बी स्क्वायर की वैल्यू वन अपन फोर है, अगर यहाँ पे 1 अपन 4 रख देते हैं तो ये 1 अपन 4 उसका स्क्वायर रूट 1/2, 2 डिनोमेटर ऑफ डिनोमेटर बिकम न्यूमरेटर सो इट बिकम्स 2, सो व्हाट वी गेट हियर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2, हैंस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों साइड स्क्वायर करने पे आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आई थिंक हाँ एरएच के को लास्ट में एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड हैविंग आई थिंक रेडियस 2, ऑप्शन सी इज आवर आंसर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सेट ऑफ द सर्कल ईच ऑफ द रेडियस 3 लाइज ऑन द सर्कल एक्स प्लस वाई स्क्वायर 25, द लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट इज व्हाट, 2002 में पूछा गया था जेडब्ल्यू की स्टार्टिंग में जो पेपर आया था वो एथरपली का, तो ये क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा समझने में माइंड को थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है क्योंकि इक्वेशंस में थोड़ी फिगर भी ऐसी बन रही है, आप देख सकते हो फिगर मैंने थोड़ा अपने हिसाब से बना के रखी है। क्या लिखा है कि ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द सेट ऑफ सर्कल, सेट ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ सर्कल मतलब ये जो सेट ऑफ सर्कल है उसका सिंपली मीनिंग क्या होगा कि बहुत सारे सर्कल का सेट, तो सर्कल का सेट मतलब सर्कल बहुत सारे जितने सर्कल पॉसिबल है, सभी सर्कल के जितने भी पॉइंट है वो सभी सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट का सेट, ठीक है, जितने भी पॉइंट सर्कल के पॉसिबल है वो सभी सर्कल और सर्कल के जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट का सेट, वो होता है सेट ऑफ सर्कल। तो ये जो सेट ऑफ सर्कल है उसका सेंटर, मतलब ये सर्कल के जितने भी पॉसिबल सर्कल है उसका सर्कल सेंटर कहाँ है, उसके रेडियस 3 है, 3 रेडियस वाला सर्कल, 3 रेडियस वाले जितने भी सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे, दे आर लाइज ऑन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है वो यहाँ पे ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है,
मतलब उसका रेडियस 5 है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो 5 डिस्टेंस पे है। ओके ठीक है, और इसी लाइन पे सेंटर बने वैसे ही मैंने ये सभी सर्कल ड्रॉ किए हैं। आप देख सकते हो ये जो सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, इस सर्कल का सेंटर है वो भी यहाँ पे सर्कल पे है। तो मैंने क्या लिखा, द सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल, ये बहुत सारे सर्कल है उसका जो सेट है, ये सभी सर्कल के जो सेंटर है विच आर लाइज ऑन सर्कल दिस वन, एक्सरसाइज करो 25। ओके, और उसकी सभी की रेडियस 3 है, तो ये जो रेडियस सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 3। मतलब यहाँ से ये 3 डिस्टेंस और यहाँ से ये भी 3 डिस्टेंस, और हमको ये डिस्टेंस पता है, सॉरी ये डिस्टेंस पता है कितना है, ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है। तो ये जो 5 डिस्टेंस है उसमें से 3 डिस्टेंस निकाल दो तो ये पॉइंट बन जाएगा, ये 5 में से इतना डिस्टेंस 3 है ना, तो ये डिस्टेंस निकाल दे तो ये पॉइंट बन जाएगा 2, और ये 5 प्लस 3 तो बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये बाहर के जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स है वो सभी मैक्सिमम 8 रेडियस पे है, और अंदर के जितने भी पॉइंट पॉसिबल है ये सभी सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी पॉसिबल हियर, एज यू कैन सी सभी जितने भी सेंटर है सभी सेंटर को, अगर ये पॉइंट सेंटर है, इसके बाजू का सेंटर है, एग्जैक्टली उसके बाजू का सेंटर रख के सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे, और सभी सर्कल को मिला के ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, यहाँ पे सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे, तो ये पूरे एरिया में जितने भी पॉइंट है वो ये छोटे वाले सर्कल से बड़े और बड़े वाले सर्कल से छोटे, तो छोटे वाला सर्कल कितना है, 2 रेडियस वाला, बड़ा वाला सर्कल है 8 रेडियस वाला, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो 2 रेडियस वाले से बड़ा होगा, एंड सॉरी 2 स्क्वायर एंड बड़ा वाला रेडियस जो है वो कितना है 8 स्क्वायर, तो 4 के बड़ा और 64 से छोटा, तो उस तरह का एक ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ए। सो दिस इज अवर आंसर, सो दिस इज टोटली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन एंड यू कैन अंडरस्टैंड, अगर ज्योमेट्री पता नहीं चल रही है तो ये क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, वैसे क्वेश्चन इजी है बट सिर्फ ज्योमेट्री पता चलनी चाहिए, दैट्स ऑल। लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर एट 1 1 एंड रेडियस 1, 1 1 है जो सेंटर है और रेडियस 1 है, मतलब 1 1 सेंटर एंड रेडियस 1, उसको देख के तुरंत पैसे माइंड में क्या आएगा कि सर मतलब ये मैंने सर्कल बना दिया, इस सर्कल का जो 1 1 है वो सेंटर है और 1 ही रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सिस को टच करेंगे कि ये जो आर आर है यही हमारे पास आर इक्वल टू जो भी है वही हमारे पास सेंटर है, आर इक्वल टू 1 एंड सेंटर भी 1, ये आर इक्वल टू 1 और ये सेंटर भी, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 और एक्स कोऑर्डिनेट भी 1, सो दिस सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। ओके, दूसरा क्या दिया है, ये सर्कल का नाम दे दिया उसने सी, ओके ये सी है, और दूसरा क्या दिया है, इफ़ टी इज़ द सर्कल सेंटर्ड एट 0 y पासिंग थ्रू ओरिजिन, दूसरा एक टी जो सर्कल है वो उसका सेंटर है वो 0 y है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ये जो सर्कल है टी सर्कल वो 0 y सेंटर वाला एंड ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है, इट मींस ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब ये जो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वही रेडियस हो जाएगा, तो ये रेडियस हो गया y, इट मींस कि ये भी y रेडियस हो गया, अगर ये दोनों को जब भी कोई भी सर्कल, हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है टी सर्कल बट वो एक्सटर्नली ये सी सर्कल को टच कर रहा है, मतलब बाहर से टच कर रहा है, अंदर से नहीं बाहर से, तो ये यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब जब भी दो सर्कल टच कर रहे हो तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब मैंने इसका सेंटर दे दिया सी वन और इसका सेंटर दे दिया टी वन, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि C1 T1 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो दोनों के रेडियस के समेशन के बराबर होगा, इसका R1 और इसका R2, तो C1 T1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या है यहाँ पे Y प्लस 1, तो C1 T1 इज इक्वल टू Y प्लस 1, अब C1 0 से C1 1 1 है और T1 0 y है, तो ये अगर फॉर्मूला के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखे तो C1 T1 की वैल्यू क्या होगी, से 1 1 से 0 y के बीच का डिस्टेंस ये जो होगा वो C1 T1 होगा, दिस इज इक्वल टू y प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू
y प्लस वन, थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं और एक्सपांड कर देते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक और कैंसिल हो जाएगा, टू वाई इस तरफ आएगा, फोर वाई, फोर वाई इक्वल टू वन, इट मीन्स y इक्वल टू वन बाई फोर। अगर y इक्वल टू वन बाई फोर है तो हमारे पास जो ये सेंटर आएगा ये जीरो कॉमा वन बाई फोर। और क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस ऑफ टी, तो ये जो y है वही रेडियस है, तो रेडियस ऑफ टी इज अगेन वन बाई फोर, सो दिस इज इक्वल टू आर। ओके दिस इज अवर आंसर। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो, अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट टू थ्री एंड फोर फाइव, इफ इट सेंटर लाइज ऑन द लाइन वाई माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू वट। एक सर्कल दो पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं और उसका सेंटर है वो ये लाइन पे है, मतलब सेंटर से पास होने वाली एक लाइन दे दी है वाई माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, मतलब ये लाइन मैंने कोई भी एज्यूम कर ली और उसका इक्वेशन उसने दे दिया है वाई माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करना है तो चलो पहले तो मैं सेंटर फाइंड कर लेता हूँ। सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है, तो मे बी अगर सेंटर से पास करने वाली दो लाइन मिल जाए तो उसको सोल्व करके मिल जाएगा। अब जब भी दो पॉइंट या फिर तीन पॉइंट दिए हैं, हमने थियरी में बताया था तीन पॉइंट वाली थियरी में कि जब भी दो या तीन पॉइंट जब भी देते हैं तब ये दो पॉइंट से जोड़ने वाली एक कॉर्ड मिलेगी और वो कॉर्ड को, जैसे ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाए जो भी एल वन है वो हमेशा ही सेंटर से पास होगा। अब कैसे बनाते हैं ये ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए बी कॉर्ड का सबसे पहले मिडल पॉइंट बना दो M, तो M क्या बन जाएगा, मिडल पॉइंट विच इज़ 2 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 3 एंड 4, ओके, एंड स्लोप ऑफ AB क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ AB बिकम 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ से 1। तो अगर स्लोप ऑफ AB 1 है तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला इसका हाफ, इसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट विच इज़ माइनस 1, हैंस इक्वेशन ऑफ L1, वट आई नीड इज इक्वेशन ऑफ L1, तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या बन सकता है, तो बस वो तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी नंबर जो दिया है उसके ऊपर का न्यूमरेटर को x दे दो और डिनोमेटर को y दे दो और उसके साइन देखो, साइन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये हो गया x एंड y का टर्म, और जो कॉन्सेंट टर्म है उसको फाइंड करने के लिए तीन फोर, ये थ्री फोर जो पॉइंट है उसको इसके अंदर रख दो, थ्री प्लस फोर सेवन, तो आपको जो स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला जो है ना उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इससे बना सकते हो आंसर L1 का लाइन का। तो ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन है उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंटर है, तो बस सेंटर फाइंड कर लो लाइन L1 एंड ये लाइन को सॉल्व करके, साइन ये दोनों सॉल्व करके आप सेंटर फाइंड कर लो, ठीक है, और सेंटर मिल जाता है उसके बाद, ये सेंटर से और कोई भी एक पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आर हो जाएगा, तो आपको रेडियस मिल जाएगा, वही कोई भी एक ऑप्शन में होगा आराम से मिल जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो बहुत इजी है, आराम से पता कर सकते हैं। 2018 का या दूसरा क्वेश्चन, लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बी ए ऑफ माइनस थ्री फाइव एंड बी ऑफ थ्री थ्री। ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड दिए हैं और सर्कम सेंटर की बात करें, मतलब सबसे पहले तो ऐसी कोई तीन सेंटर की बात जब भी कोई एक क्वेश्चन में कर देते हो लोग, तो सबसे पहले याद करना है कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में ही है, आगे कुछ भी पढ़े बिना पहले वो तीनों पॉइंट एक लाइन में ही है वो सोच के उसका फॉर्मूला याद कर ले कि हाँ एच जी ओ, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रोइड, ओ मतलब सर्कम सेंटर, तो ये जो तीनों है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। एच गो ऐसा कोई हिंट के फॉर्म में अगर याद रखना है तो एच गो, तो एच जी ओ 2:1 के फॉर्म वाइज रेशियो में डिवाइड होता है, और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को नाम दिया है ए, सेंट्रोइड को नाम दिया है बी एंड सर्कम सेंटर को नाम दिया है सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सर्कम सेंटर फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद क्या पूछा है, इफ़ सी इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल देन रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ए सी। अगर ए सी लाइन सेगमेंट को समझ लो मैंने डायमीटर समझा, तो उसका रेडियस क्या होगा, तो मैं ए सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा, उसका हाफ कर लूँगा, देन आई गेट रेडियस। तो सबसे पहले C कैसे मिलता है, वही डिस्टेंस सॉरी डिवीजन फार्मूला, तो क्या बनेगा डिवीजन फार्मूला से B ऑफ 3:3, मतलब 3:3 डिवाइड्स AC इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो 2 इंटू एक्स, 3:3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स,
बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये दोनों का समेशन, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 विच इज 3, सिमिलरली 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। अगर ये दोनों को कंपेयर कर लो तो x क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 12 बाय 2 विच इज 6, और यहाँ पे y क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 5 विच इज 4 बाय 2 दैट इज 2। तो C पॉइंट मिल गया 6,2। अब A एंड C ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, डायमीटर। तो जो डायमीटर है वो क्या है, ए सी, बराबर। तो ए सी क्या होगा हमारे पास, ए है माइनस 3 5, सी है 6 2, तो 6 माइनस माइनस 3 दैट इज 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाता है रूट 90। और रूट 90 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 10। हमको फाइंड करना है रेडियस, मतलब 3 रूट 10 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 रूट 5 रूट 10 डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम 3 बाय रूट 5 बाय 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो ठीक है, थैंक यू।